वेलकम टू इंजीनियर ट्वेंटी फोर सेवन तो भाई कैसे हैं आप सभी उम्मीद करती हूँ सभी बच्चे हस्त पुष्ट स्वास्थ्य एक तो एकदम मस्त होंगे तो चलिए अपने सेशन की तरफ चल पड़ते हैं ठीक है ओके तो चल पढ़ते भाई सबसे पहले तो एक काम आपको जो हमेशा बोलते हैं डाउनलोड ट्वेंटी फोर डाउनलोड ऐप ट्वेंटी अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन जिसमें आपको मिलता है बहुत सारा प्रीमियम स्टडी मटेरियल करंट अफेयर जॉब अलर्ट्स डेली क्विज डेलीजो भी सब्जेक्ट वाइज मैगजीस पावर कैप्सूल नोट्स एंड आर्टिकल एंड वीडियोज ठीक है साथ ही सब्सक्राइब कर ले इंजीनियर अड्डा को सो देट आपको रेगुलर अलर्ट्स आपको मिलते रहे और ओके हेलो एवरी आई थिंक एक दो मिनट आप वेट कर लीजिएगा क्या होता है ना कि कई बार स्टूडियोज नहीं मिलता है एक टीचर यहाँ से क्लास ले रहा है दूसरा आता है तो मेटी पीपीटी चेंज करते हैं बोर्ड चेंज करते हैं आगे से क्लास लगाते तो यू नो टाइम लग जाता है तो इट्स नॉट दैट मच ठीक इतना बड़ा कोई इश्यू नहीं है ये चलो चलो ये uh, आम yeah, हमारा हो चुका था आई थिंक थर्टीथ क्वेश्चन पे चलना है हमको यहाँ पे भी अब हम सीरीज चलाएंगे ऐसे नहीं चलेंगे बस सीधा रोज डेली एक नया सेट अपना कंटिन्यू लेके चलते हैं ताकि हमको आइडिया हो कि हमारे कितने हो चुके हैं अभी तक ठीक है आज का पहला प्रश्न है कि इक्विनिक्स वर्ष के दो काल जब दिन और रात बराबर होते हैं जब होता है तो वो दिन कौन से होते हैं भाई आपके 21 मार्च और, और आपका 23 सितंबर 22 फरवरी और आपका 23 अगस्त 15 अक्टूबर और 23 अप्रैल बाईस जुलाई और आपका तेईस दिसंबर बताओ मुझे जल्दी से यहां पे आपका आंसर क्या हो जाएगा हेलो गुड आफ्टरनून अंकुर जगदीश ज्योत्सना शुगुफ्ता कल्पना कल्पना ओके okay, कल्पना ने कहा है ए ओके okay, एनिमल्स बताओ जल्दी से ए बहुत सही बहुत सही ए तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई ए हो जाएगा क्या हो जाएगा ये ए हो जाएगा 21 मार्च और 22 सितंबर आपका बराबर के दिन होते हैं यहाँ पे दिन और रात बराबर होते हैं इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं इक्विनोक्स वर्ष कहते हैं ठीक है चलो आगे है कि ओजोन प्रत अवस्थित है कहाँ पे ओजोन लेर इज लोकेटेड इन ट्रोफोस्फेयर शोभ मंडल शोभ सीमा या फिर आपका समताप मंडल या फिर प्रकाशम मंडल ठीक है बताओ जल्दी से नहीं भाई ए आंसर होगा उसका डी नहीं होगा किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकता डी आंसर तो उसका ठीक है बताओ जल्दी से देखो अगर बात करूं ओजोन की तो ओजोन जो है आपके समताप मंडल में पाया जाता है कहाँ स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है जहां पे आपका जो टेम्परेचर होता है वो सेम रहता है टेम्परेचर क्या रहता है सेम रहता है दूसरी चीज आपके समताप मंडल की कि ये आपका एक आइडियल स्फीयर है एक आइडियल चीज है जहां पे आपके एरोप्लेन भी जो है उड़ते हैं तो आपका एरोप्लेन जो उड़ान लेते हैं वो भी आपके इसी के अंदर लेते हैं यानी स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर ही आपके एरोप्लेन उड़ते हैं कई बार प्रश्न पूछा जाता है एरोप्लेन कहां उड़ते तो आप कहोगे जी आपका क्या जाएगा आंसर वहां पे समताप मंडल आ जाएगा क्या आ जाएगा समताप मंडल वहां पे आंसर आ जाएगा आपका ठीक है इसी के साथ आप एक चीज और लिख लेंगे कि ओजोन के अंदर जो आपकी होती है ना ओजोन इसका फॉर्मूला क्या होता है इसका होता है और इसका काम क्या होता है काम होता है कि जो सूरज से यूवी रेज आती है ना अल्ट्रा वोलेट रेज आती है परा बैंगणी किरणें आती हैं उनको रोके रखने का कार्य होता है उसको ऑब्जॉर्व करने का कार्य होता है ताकि धरती पर जाके वो कोई विनाशकारी चीज ना करे ठीक है

बताओ जल्दी से बी बिल्कुल सही देखो ऐसी बात होती है कि भाई अगर हम कह रहे हैं ना बादल फट गए वहां पे तो वहां पे ये होता है कि भाई जब आपकी कंडीशन अब नॉर्मल है

आगे है कि द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम विल बी डबल्ड इफ जो टाइम पीरियड है वो आपके सिंपल पेंडुलम का डबल हो जाएगा किस कंडीशन में अगर उसकी लेंथ हम डबल कर दें या फिर जो आपका पेंडुलम का मास है वो हम डबल कर दें या फिर जो लेंथ है वो हम इंक्रीज कर दें चार गुनी चार गुना या फिर मैं बात करूं इसकी लेंथ और मास उन दोनों को ही डबल कर दे उस कंडीशन में तो बताओ जल्दी से यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा इससे ही संबंधित एक प्रश्न मैंने आपको कल कराया था जिसके अंदर मैंने आप सभी को बताया था कि भैया कि भैया क्या डबल्ड एक ऐसी हमने क्वेश्चन करा था जहां पे ना थोड़ा सा हल्का सा, आ, को वो मुझे, करेक्ट कराना है। मुझे कल ध्यान नहीं रहा सो है पहली बात तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा वो सी वाला हो जाएगा क्या हो जाएगा सी वाला हो जाएगा कि हमको यहाँ पे भैया इंक्रीज फोर टाइम्स करनी है ठीक है कल मैंने जैसे कि कहा कि कल मैंने को एक प्रश्न आपको गलत करा दिया तो मेरे को वो कराना है करेक्ट ठीक है और अब गलत कराया है तो करेक्ट तो कराना पड़ेगा है ना फ्लो फ्लो में हो जाता है कई बार ध्यान ही रहता जिसके प्रश्न ये था सातवां नंबर जिसके अंदर मैंने आपको आंसर क्या बताया था कि भाई दो गुना हो जाएगा एक्चुअल में ये आपका ठीक आंसर नहीं था मैंने इसको ना एक्चुअली बस वो फटाफट करने चक्कर में हो जाता है कभी कभार तो आ, प्लीज़ इसको करेक्ट कर लेना जिसके अंदर कहा था कि कोई भी वायर है अगर उसका रेडियस हाफ हो जाता है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा देखो आपकी हमको एक बात पता है अच्छे से कि अगर मैं रेजिस्टेंस की बात कर लूँ और आपके एरिया की बात कर लूँ किसकी बात करूँ एरिया की मैं बात करूँ तो आपका वहाँ पर क्या होगा

है ना तो यानी कि वो जो बढ़त हुई है वो बढ़त चार गुना की हुई थी कितनी हुई थी टोटल बढ़त वो आपकी चार गुना की बढ़त हुई थी यहां पे ठीक है

तो वो कराने हैं तो वो देख, देखा नहीं बस देखा हाँ कम हो गया बढ़ गया डबल हो जाता है वहां पे ये नहीं देखा कि उसने त्रिज्या बोली है यहाँ पे ये चीज नहीं ध्यान दी मैंने ठीक है कभी कभार हमसे भी हो जाता है तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट गाइज ठीक है अगर किसी बच्चे ने कल वो नोट किया है तो प्लीज करेक्ट कर लेना इसको चलो हम्म आगे प्रश्न आपका है ये वाला कि उष्मा किस प्रकार से सर्वाधिक से स्थानांतरित होती है किस प्रोसेस से आपकी जो हीट है वो आपकी फास्टेस्ट रेट से ट्रांसफर होती है पहला है कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन नन ऑफ दिस बताओ जल्दी से हाँ हाँ फोर टाइम्स हो जाएगा फोर टाइम्स हो जाएगा और फोर टाइम कोई सिक्सटीन पार्ट भी बोल सकते हैं ठीक है जो पहले रेजिस्टेंस था उसके कंपैरेटिवली में आपका कितना हो जाएगा वहां अब अगर हम उसको वन बाई सिक्सटींथ पार्ट अगर डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं या फिर मैं कहूँ उसका फोर टाइम्स वो होगा तो वो सेम ही चीज है आपकी ठीक है कोई नहीं हम थ्योरी स्टार्ट कर रहे हैं कल से एस एस सी जेई में कल से आपको सब समझ आ जाएगा ठीक है बताओ जल्दी से यहाँ पे सी सी हो जाएगा अभी रेडिएशन हो जाएगा रेडिएशन हो जाएगा ठीक है देखो कंडक्शन के अंदर क्या होगा, कोई भी चीज आपको क्या करनी पड़ेगी कांटेक्ट में लेके आनी पड़ेगी तब जाके वो आपकी क्या होएगी हीट का ट्रांसफर होएगा, सेम

करता है पहला है आयरन बिस्मत निकल कोबाल्ट बताओ जल्दी से यहाँ पे क्या है इस सनलाइट नो no, नो no, नॉट सनलाइट सन तो है रेडिएट करता ही है सन तो रेडिएट करता ही है आपकी सनलाइट को बस सनलाइट जो है आपकी वो सनलाइट खुद को रेडिएट नहीं करती वो रेडिएट होके आती है सन से ठीक है चलो बिस्मत बहुत सही एक बच्चे ने सही आंसर किया है कल्पना संजीत सचिन Uh, कुलदीप बी बहुत सही सुशांता बासक बिस्मित बिस्मत सही आंसर हो जाएगा भाई यहाँ पे बी विल बी और करेक्ट आंसर बी बिस्मत डी बिल्कुल भी नहीं होगा जो कोबाल्ट निकल और लोहा कह रहे हैं वो बिल्कुल भी नहीं होगा थ्यूरी कल हम इसी टाइम पे करेंगे तीन बजे तीन बजे कल हम आपको थ्योरी ही कराएंगे और बायो की कल आई uh, थिंक मैंने तो लास्ट क्लास कराई थी तो उसके कॉमेंट सेक्शन में बच्चों ने कहा था मैम सर्क्युलेटरी सिस्टम कराना तो मैं सर्क्युलेटरी सिस्टम ही कराऊंगी आपको ठीक है जहाँ से क्वेश्चन बनते पहले उनको टैकल कर लेते सर्क्युलेटरी सिस्टम कराऊंगी आफ्टर दैट उसके बाद डिजीज कराऊंगी डिजीज आपकी जो ह्यूमन डिजीज होती है जैसे क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं उसके बाद फूड फूड में आपका वाइटमिन कार्बोहाइड्रेट फैट इन सब के बारे में ठीक है उसके बाद फर्द्रम देख लेंगे ये आपका सीरीज है जो मैं अभी कराने वाली हूँ यानी कल तो हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे ठीक है उसके बाद क्या कहा मैंने डिजीज़ पढ़ेंगे उसके बाद हम आपका क्या पढ़ने वाले हैं आपका फूड पढ़ने वाले हैं ठीक है ये तीन चीज़ तो हमारी हो गई डिसाइड भाई ठीक है कल देखो कितने दिन में कंप्लीट होगा दो दिन में करूंगी चाहूंगी तो एक ही दिन में पर एक दिन में होता नहीं है आगे है कि मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर इज यूजुअली एक्सप्रेस इन किलोबाइट और मेगाबाइट कि आपकी जो मेमोरी है कंप्यूटर की वो यूजुअली किस में हम करते हैं एक्सप्रेस किलोबाइट में और मेगाबाइट में तो एक बाइट कितना होता system, digit, है भाई एट बाइनरी डिजिट के बराबर डिजिट विद एट डेसिमल सिस्टम टू बाइनरी डिजिट टू डेसिमल प्लेसिस वैसे ही आपका कंप्यूटर का है चैप्टर परंतु कई बार साइंस में टेक uh, वाले पार्ट में आ जाता है ठीक है चलो यस बनी जगह रहती कौन बनी और सभी अनु हाँ बिल्कुल बिल्कुल पहले अंकुश अंकुर पहले जो इम्पोर्टेंट होंगे वही कराऊंगी मैं ठीक है हाँ बिल्कुल इजीली हो जाता है साइंस एक मंथ में इजी हो जाता है बिल्कुल मस्त तरीके से हो जाता है चलो बताओ यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका ईजी है ए ए ए हो जाएगा भाई बहुत सही सुशांत बहुत सही कुलदीप वेरी गुड आठ बाइंड्री अंक आठ बाइंड्री अंक एट बाइंड्री डिजिट आगे ही में से कौन सा विद्युत आ चुंबकीय है विच इज द फॉलोइंग इलेक्ट्रो मैग्नेट आ चुंबकीय बोला ना इसने विद्युत आचुंबकीय है चलो बताओ यहाँ पे निकल कोबाल दस्ता नॉन मैग्नेट है भैया आचुंबकीय का है विद्युत आचुंबकीय या फिर आप कह लो नॉन इलेक्ट्रो मैग्नेट इसके आगे नॉन लगा लेना बताओ तुम आदमी हो अबे तुम पागल पागल हो क्या कैसे कैसे बातें करते रहते हो तुम हैं जिंक 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 जस्ता 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 आगे है कि मिल्क ऑफ मैग्नेशिया क्या होता है वट इज मिल्क ऑफ मैग्नेशिया मैग्नेशियम कार्बोनेट सोडियम बाई कार्बोनेट कैल्सियम हाइड्रोक्साइड मैग्नेशियम हाइड्रोक्साइड बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर किस चीज की मैग्नेशियम कार्बोनेट की बात कर लेते हैं किसकी बात कर लेते हैं मैग्नेशियम कार्बोनेट की बात कर लेते हैं क्या ये होता है भाई बिल्कुल भी नहीं ये नहीं होता है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं ये नहीं होता मैग सोडियम बाइकार्बोनेट आपका किसके लिए पूछा जाता है बेकिंग सोडा के लिए पूछा जाता है किसके लिए बेकिंग सोडा के लिए पूछा जाता है ठीक है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी नहीं है आपका यहाँ पे ये यह जनरली पूछा भी नहीं जाता बल्कि बोला जाता है ना कि चूने का पानी जो होता है आपका लाइम वाटर जिसको हम कहते हैं लाइम वाटर जिसको हम कहते हैं ठीक है थीके? वहीं पे आपका बचा आखिर में क्या मैग्नेशियम हाइड्रोक्साइड तो आपका मैग्नेशियम हाइड्रोक्साइड जो है सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा मैग्नेशियम हाइड्रोक्साइड सही आंसर हो जाएगा कल का क्लास नहीं बिल्कुल भी नहीं मुकेश किसने कहा ये कल का क्लास है किसने कहा या तो आपने अटेंड नहीं करे क्वेश्चन अच्छे से आपको वहम लग रहा है आगे है है किसी नाभिक में न्यूट्रॉन इसकी द्रव्यमान संख्या चौबीस है तो परमाणु क्रमांक क्या होगा इसने कहा है कि तेरा न्यूट्रॉन है मास नंबर चौबीस है तो आपका एटमिक नंबर क्या होगा अच्छा आपका एटॉमिक मास नंबर के लिए क्या होता है भी? मास नंबर क्या आएगा आपका हम सबको पता है मास नंबर होता है कि वहां पे न्यूट्रॉन प्लस प्रोटोन का जोड़ ठीक है यानी कि हम कहेंगे न्यूट्रॉन प्लस प्रोटोन हमारे पास कितने हैं चौबीस है अब इसके अंदर भी आपको कर रखा है कि जो न्यूट्रॉन की संख्या है वो तेरा है यानी तेरह हो जाएगा यानी कि आपका यहाँ पे कितना बच जाएगा इवेंचुअली ग्यारह आ जाएगा तो यहाँ पे हमारी जो बात हो रही है आंसर तो सी है और बात हो रही है यहाँ पे सोडियम की किसकी बात हो रही है आपकी सोडियम की बात हो रही है सोडियम के ऊपर खूब प्रश्न पूछे जाते हैं आपके ठीक है डी कैसे हो जाएगा बारह कैसे हो जाएगा 13 न्यूट्रॉन है ना और आपके चौबीस ये है ए? सी हो जाएगा चलो इसी के साथ आगे अच्छा एक चीज और अगर मान लो इसने यही चीज बोल के आपसे कहा होता कि हमें बताओ कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं तो आप उसको क्या बोलते भाई इलेक्ट्रॉन हमको मालूम है हमारे पास प्रोटॉन की संख्या ग्यारह है तो इलेक्ट्रॉन की भी संख्या ग्यारह है अगर वो आपको सिंपल सा एक शब्द बोल देता आपको सिंपल सी चीज क्या कहता वो कह देता कि द्रव्यमान संख्या चौबीस है और एटमिक नंबर ग्यारह है ठीक है या फिर वो कह देता कि खाली सोडियम हमें बताओ कि जो सोडियम है सोडियम का द्रव्यमान संख्या इतनी है हमको बताओ इसके न्यूट्रॉन कितने हैं न्यूट्रॉन पूछ लेता फिर क्या करते आपको पता है सोडियम का एटमिक नंबर 11 है यानी प्रोटॉन की संख्या 11 है हम क्या कर देते 24 में से 11 माइनस कर देते भाई तो यहाँ पे आपका आंसर जो है तेरह आ जाता है यानी कि न्यूट्रॉन कितने तेरह है आपके ठीक है तो इस प्रकार के कई प्रश्न आते हैं जहां से आपको इलेक्ट्रॉन पूछ लिया जाएगा या प्रोटोन आपको बस एक चीज निकालनी आनी चाहिए वो है इलेक्ट्रॉन और

चलो ए ए कॉपर के बिल्कुल सही देखो अगर मैं बात करूं आपके कॉपर की तो कॉपर के लिए आपके काफी सारे होते हैं जैसे कि बात करूं क्यूपराइट क्या हो जाएगा क्यूपराइट हो जाएगा मेलाइट हो जाएगा या फिर आपका आ जाएगा कॉपर पारेट आ जाएगा क्या आ जाएगा कॉपर पाइराइट आ जाएगा ये भी किसके ऐसा हैं ये आपके कौ... इसके कॉपर के ही हैं ठीक है ठीके? अगर मैं आपके किसकी बात कर लेती हूँ आपके सिल्वर की बात कर लेते हैं और आपके गोल्ड की बात कर लेते हैं तो इनके लिए आपका क्या हो जाएगा देखो अगर मैं इसकी बात करती हूँ यहाँ पे बी वाले ऑप्शन की तो इसके लिए हमारा क्या क्या हो जाता है इसके लिए हमारा आ जाता है रूबी सिल्वर हम किसी को कहते हैं क्या कहते हैं रूबी सिल्वर हम कहते हैं आपके सिल्वर के लिए तो ये भी इसका क्या है और ही है ये भी क्या है इसका और ही है वहीं पे आपकी बात कर लू यहाँ पे हॉर्न सिल्वर भी आ जाता है हॉर्न सिल्वर ये भी इसका कई बार पूछ लिया जाता है और ही है इसके अलावा एक तीसरा आ जाता है जिसको हम क्या कह देते हैं पाइरा गाइराइट क्या कह देते हैं तीसरे को पायरा गाइराइट गाइराइट तो ये तो थे आपके किस चीज़ के लिए सिल्वर के लिए अब अगर आपको कोई कह दे कि हमको बताओ भाई आपके मैग्नीशियम के लिए बता दो एम के लिए बता दो एम के लिए आप क्या बताओगे भाई आपके पास मैग्नेटाइट है ठीक है मैग्नेसाइट सॉरी मैग्नेसाइट है आपके पास यहाँ पे डोलेमाइट है क्या है डोले माइट है और कौन सा हो जाएगा डोलेमाइट के अलावा मैग्नेटाइट एप्सम 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 सोल्ट आ जाता है एप्सम सोल्ट आपका आ जाता है ठीक है इसके अलावा आपका कौन और कौन सा आ जाएगा एक दो तीन चार पांच छे होते हैं इसके कम से कम कितने होते हैं पांच छे होते हैं आप इसके इसके दूसरा हो जाएगा कौन सा कि, किसे राइट करके कुछ होता है किससे राइट किसरे लाइट करके होता है और साथ में एक आपका जो लास्ट है वो आपका क्या हो जाएगा कॉर्ने लाइट जो बोलते हैं आप उसको क्या बोलते हैं कॉर्ने लाइट जो आप बोलते हो ये

एक आपका एस्क वाला चैप्टर भी हम बहुत जल्द करने वाले क्योंकि यहां से एक प्रश्न आपका जरूर बनता है हर बार बनता है आगे है कि निम्न में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है हमने कल इस प्रश्न को किया था जिसका आंसर आपका था विटामिन डी तो इस पे हम ज्यादा टाइम नहीं लगाने वाले हैं ठीक है थीके? चलो आगे है कि वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन श्रावित होता है कहां से थायराइड सेक्स ऑर्गन, एड्रेनल, पिट्यूटरी बताओ जल्दी से देखो अगर मैं बात करूं आपकी क्या आपकी ग्रंथी होती है जिसको हम कहते हैं क्या मास्टर ग्लैंड जिसको हम क्या कहते हैं मास्टर ग्लैंड कहते हैं उसका नाम है पिट्यूटरी उसका नाम क्या है

हाँ, गोल्ड जो है गोल्ड प्लेटिनम और सिल्वर ये आयर मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं आपके ठीक है आगे है ईस्ट एंड मशरूम आर ईस्ट और मशरूम क्या है एलगी फंजाई फाइट्रसियस रूट देखो अगर यहां पे अगर मैं ऑप्शन की बात कर रही हूं कंट्रोल हाँ बिल्कुल 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 चलो अगर मैं पे बात करूं किसकी आपके ऑप्शंस की बात करूं ईस्ट और मशरूम के लिए आपकी ईस्ट और मशरूम क्या होती है ये एक फंजाई होती है भाई क्या होती है फंजाई होती है जिसको आप हिंदी में कहते हो कि ये क्या है एक कवक है क्या है एक कवक है परंतु खास चीज यहाँ पे ये है कि जो ईस्ट है ना आपकी इकलौती ऐसी अपवाद है जो कि एक कोश की है आपकी जितनी भी इष्ट हैं सारी बहु कोश की है मल्टी सेलुलर है परंतु जो इष्ट होगी ये आपकी कैसी होती है ये यूनिसेलुलर होती है ये कैसी होती है यूनिसेलुलर होती है इकलौती है ये आपकी ठीक है इकलोटिव फंजाई जो यूनिसर्गर है दूसरी चीज इसके यूज पे प्रश्न पूछे जाते हैं अगर मैं इसकी यूज की बात करती हूं तो आपका यूज यहां पे क्या हो जाएगा यूज यहां पे होता है फर्मेंटेशन के लिए किसके लिए पहला चीज आपका क्या फर्मेंटेशन के लिए जो आपके ये स्वाद स्वाद में आप बियर पीते हो शराब पीते हो ना ये आपकी कैसे बनती है फर्मेंटेशन से किण से बनती है दूसरी चीज बर्थडे होता है तो शराब भी चलती है केक भी चलता है तो केक जो आपका होता है उसको सॉफ्ट करने के लिए भी हम किसका इस्तेमाल कर

ठीक है मोहित सर को चलो हां जी आगे है कि तीन चार वर्ष के बच्चे में कौन से दांत नहीं होते विच टीथ आर नॉट देर इन थ्री फोर ईयर्स ओल्ड चाइल्ड इन सीजर कैनाइन प्री मॉलर और मौलर। देखो एक चीज आपको अच्छे से पता होगी कि हमारे जो दांत हैं जीवन में दो बार आते हैं इसीलिए हम हमारे दांतों को कहते हैं डाई क्या कहते हैं डाई फाइको डोंट हम उसको कहते हैं क्यों क्योंकि जीवन में दो बार आते हैं एक बार हमारे पास आते हैं मिल्क टीथ और एक बार जो हमारे पास आते हैं परमानेंट टीथ आते हैं एक बार कौन से आते हैं परमानेंट टीथ हमारे आते हैं ठीक है मिल्क टीथ जो हमारे आते हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं परमानेंट से कितने आते हैं टोटल मिल्क टीथ टोटल आते हैं हमारे भाई 20 और आपके परमानेंट कितने हो जाते हैं 32 ठीक है इसीलिए कहा जाता है तेरे एक थप्पड़ लगेगा तेरी बत्ती बाहर आएगी यानी कि आपके बत्तीस के बत्तीस दांत बाहर आएंगे ठीक अब यहाँ पे संख्या में देखोगे तो अंतर है यानी कि हमारे पास बारह दांत ऐसे हैं जो कि जीवन में सिर्फ और सिर्फ एक बार आए और वो परमानेंट थे वो रिप्लेस नहीं हुए ठीक है वो आपके कौन से कौन से थे उसकी हम बात कर लेते हैं देखो आपका डेंटल फॉर्मूला जो होता है चार प्रकार के दांत होते हैं जो यहाँ पे दिए गए हैं इन और चरणक यहाँ पे आपके जो दांत होते हैं फॉर्मूला होता है उसके लिए कि आपका बच्चों के लिए जो होता है जो मिल्क के लिए होता है टू तो वन जीरो टू आ जाएगा यहाँ पे टू वन जीरो टू 2102 हो जाएगा ठीक है ये आपका बच्चों के लिए होता है मिल्क टीथ के लिए होता है वहीं पे परमानेंट के लिए टीथ के लिए क्या होता है फार्मूला 2123 2123 अब यहाँ पे जो मैंने जीरो लिखा है ये जीरो किसके लिए लिखा है प्रीमोलर के लिए लिखा है तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या जाएगा प्रीमोलर पहले भी समझाया था पहले भी समझाया था आपका यहाँ पे प्री मोलर के बारे में ठीक है कि आपके प्री मोलर कभी भी नहीं आते हैं बच्चे के अंदर एक मोलर आता है जो कि आपका सबके पास आएगा ठीक है ऐसा नहीं कि किसी किसी के पास आएगा नहीं हर किसी के पास आएगा एक जो आपकी विजडम टिथ होती है वो आपका बाद में आएगा ठीक है यहाँ पे बोलते ना विजडम टिथ आपकी अकलदार जो बीस बाईस साल के बाद आती है वो एक ही बार आएगी आपकी इसके अलावा मोलर दोनों दो बार आएंगे ठीक है हाँ चलो अरे मैं थप्पड़ नहीं मारूंगी भाई नॉर्मल बोलते हैं ना लड़ाई वड़ाई मैं क्यों थप्पड़ मारूंगी कुलदीप <laughs> पाल कह रहा है हमसे भी खा लो <laughs> नहीं तुमसे तो नहीं खाएगा भैया ये उसको पता है खींच के लगना है चलो आगे है कि बीसीजी विद इन हाउ इन, मेनी इन, डेज शुड ए न्यूबोर्न बेबी बी वैक्सीनेटेड जो बीसीजी का इंजेक्शन लगता है बैसिलस कैलमेटिक वैनिन जो कि आपका टीबी के लिए लगता है ट्यूबर कुलोसिस के लिए लगता है वो कितने दिन में लगना चाहिए छह महीने में सात दिन में जन्म के तुरंत बाद और आपके अड़तालीस दिन में बताओ जल्दी से यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा बहुत ईजी है कुछ भी नहीं है durante o baad तुरंत बाद लगना चाहिए भाई इमीडिएटली आफ्टर बर्थ जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लगा देना चाहिए टीबी का इंजेक्शन क्योंकि बच्चा जो होता है छोटा बच्चा उसकी इम्यूनिटी नहीं होती है वहां पे है ना इम्यूनिटी कैसे देखो बोला जाता है ना कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसका इधर उधर का खिलाने की बजाय माँ का दूध पिलाओ छह महीने तक क्यों क्योंकि जो माँ का दूध होता है ना उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल नाम का क्या होता है प्रोटीन होता है वो आपका क्या होता है कोलेस्ट्रोल नाम का प्रोटीन होता है आप इसको एंटीजन कह लो आप इसको एंटीजन कह लो या कुछ भी आप इसको कह सकते हैं प्रोटीन

अब क्योंकि आपका की हम बात करते तो मायो होता है जो कि आपका बहुत ही मेरे को बहुत जल्दी इन्फेक्ट कर लेता है और खास के हाथ हड़ाया हो और भाई एकदम से बच्चे के लगा दिए बच्चा तो इन्फेक्ट हो जाएगा तो इसीलिए जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी हमको क्या कर देना चाहिए उसको टीबी के लिए वैक्सीनेट कर देना चाहिए ठीक है चलो मैम उसे बहुत पेन होता होगा

अब उसका जीवन भी तो बचाना है दो मिनट का दर्द कोई बात नहीं सह लेंगे आगे थियोलॉजी स्टडीड इन थियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ डिफरेंट रिलीजन एनाटॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी नॉर्मनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीशीज डाइट एंड न्यूट्रिशन बताओ हां जी पूछिए ऋषिकेश बताओ जल्दी से बताओ भाई जल्दी से ए हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आंसर ए हो जाएगा यहाँ पे कि आपके जो डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन होते हैं उनका हम क्या करते हैं कंपेरिजन करते हैं फिर उनकी स्टडी करते हैं वो आपका क्या हो जाएगा थियोलॉजी हो जाएगा एक्चुअल में ये आपका पार्ट नहीं था साइंस उसमें क्वेश्चन था तो मैंने डाल दिया आगे है है, कि आपका एक 49 में एक है, एक आपका एक 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 में सूची सूची ए दो है इसके अंदर आपके इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं इधर की किससे क्या मापा जाता है ठीक है देखो यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या लिखा है डी रिपीट करो डी रिपीट क्या करूं क्या रिपीट करूं देखो अगर मैं बात करूं किस चीज की आपकी आ, इसकी बात करती हूँ ह्यूमिडिटी की बात करती हूँ तो हमको पता है इसके लिए हाइग्रोमीटर होता है हाइग्रोमीटर का में पायग्रो यानी सी पहले का सी हम लिख लेते हैं पहले का सी फिर कह रहा है उच्च ताप के लिए हमको पता है ताप के लिए हमारा क्या जाएगा आपका उच्च ताप के लिए पायरोमीटर होता है हमने सूर्य का ताप मापा था पायरोमीटर से यानी कि दूसरे का ए हो जाएगा तो यही देख लेते हैं यहीं से पता चल जाएगा हमारा एक दो सी ए किस हिसाब से लगाए हैं अच्छा इधर ए बी है और ए बी के हिसाब से यहाँ पे लगाए है? पहले दो फिर एक अरे भाई ये क्या कर रखा है इन्होंने चलो देख लेंगे चलो अगर बात करो नेविगेशन के लिए तो हमको पता है नेविगेशन के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं भाई नेविगेशन के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं क्रोनोमीटर का किसका करते हैं क्रोनोमीटर का यानी इसका सी हो जाएगा तीसरे का डी हो जाएगा बचा वायु की डायरेक्शन इसके लिए हमारा क्या हो जाता है एनिमोमीटर तो हमारा फोर्थ का क्या हो जाएगा बी हो जाएगा तो हम देखें जरा क्या हो जाना चाहिए ए बी अच्छा यहाँ पे कूट ये दे रखी हैं ए बी सी डी यहाँ पे हमको बताना है यानी कि हमको बताना पड़ेगा दो दो का ए का दूसरा ए का दूसरा ठीक है बी का फोर्थ बी का फोर्थ अच्छा ठीक है इन दो में से है कोई सी का फर्स्ट फिर आपका डी का तीसरा यानी कि पहले वाला ही आंसर आपका सही है ए वाला ही सही है आपका ठीक है चलो ऑप्शन गलत नहीं है किसने का ऑप्शन गलत है ये वाला डी यहां है और ये वाला वन टू थ्री यहां है किसने का बिल्कुल और पायरोमीटर का हम जनरली कहा यूज करते हैं सन का टेम्परेचर मापने के लिए किसका सन का टेम्परेचर मापने के लिए आगे कि मलेरिया और डेंगू में निम्नलिखित में से क्या उभयनिष्ठ है कॉमन नहीं है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमन इन मलेरिया एंड डेंगू पहला है फीवर मॉस्किटो बाइट ह्यूमन स्पीशीज मॉस्किटो स्पीशीज बताओ जल्दी से क्या चीज कॉमन नहीं है डेंगू में भी बुखार होता है मलेरिया में भी बुखार होता है हमको मालूम है मच्छर के काटने से होता है मालूम है इंसान को होता है हमको मालूम है परंतु यहां पे स्पीशीज जो है क्या हो जाती है स्पीशीज क्या कर जाती है वेरी कर जाती है क्यों क्योंकि अगर मैं बात करूं किसकी मलेरिया की बात कर लेती हूं किसकी मलेरिया की बात कर लेती हूं तो मलेरिया जो आपका होता है किसकी वजह से एनाफिलस मॉस्किटो की वजह से किसकी वजह से एनाफिलस मॉस्किटो की वजह से वहीं पे अगर मैं बात करूं आपके किस चीज की डेंगू की बात कर लेती हूं तो हम सबको पता है जो डेंगू आपका होता है वो डेंगू एडिस चर की वजह से होता है तो यानी आपकी यहां पे मॉस्किटो की स्पीशीज अलग अलग होती है जो वेक्टर होता है वेक्टर अलग अलग होता है आपका ठीक है चलो आपका डी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा इसी के साथ अगले प्रश्न पे चलते हैं अगले प्रश्न पे चलते अगला क्या हो जाएगा दोनों अलग-अलग मॉस्किटो होते बिल्कुल अलग-अलग प्रजाति होती है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू तो अवॉइड नॉकिंग इन द इंजन ऑफ कार कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है इथाइल अल्कोहल ब्यूटेन लेड एट्रा इथाइल या फिर वाइट पेट्रोल बताओ जल्दी से हाँ एक मुझे लगा ही था कोई ना कोई बच्चा मुझसे पूछ ही लेगा देखो एक सिंपल सी चीज मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे ठीक है एक सिंपल सी चीज बता रही हूँ दो मच्छर होते हैं यही पे कर लेते हैं यहीं पे, कर लेते। यही पे कर लेते। पहले भी बताया था अब दोबारा बता रही हूँ एक आपका मेल मच्छर है मेल मॉस्किटो एक आपका फीमेल मॉस्किटो कभी भी जो आपको बाइट करता है क्या करता है जो बाइट करता है वो बाइट हमेशा फीमेल करती है रीजन बाइट करने का क्योंकि उसको क्या चाहिए उसको चाहिए हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन के उसको चाहिए फिर ब्लड ब्लड से हीमोग्लोबिन लेगी रीजन कि क्यों बाइट करना है क्योंकि भैया वो है प्रेग्नेंट क्या है वो है प्रेग्नेंट उसका मन होता है उतापाती करने का उसको चाहिए हीमोग्लोबिन बच्चों को जन्म देना हीमोग्लोबिन चाहिए हीमोग्लोबिन अब वो ऐसा तो है नहीं कि भाई वो खाना खाएगी आयरन वाला डॉक्टर आके उसको घर पे दे देगी फॉलिक एसिड की दवाई ले भाई ले ले नहीं ना ऐसा नहीं करेगी वो वो क्या करेगी वो ह्यूमन के शरीर में जाएगी कहते हैं ये साले बहुत तेज बनते हैं इन्होंने दुनिया खराब कर दी इनको मैं काटती हूँ और कमाल की बात यह है कि सबसे ज्यादा जो काटा जाता है वो ओ पॉजिटिव वाले को काटा जाता है किसको ओ पॉजिटिव वाले को काटा जाता है जो दानी लोग है ना उनको ज्यादा काटा जाता है है ना और सबसे कम जो काटा जाता है ए बी वालों को किसको कम ये आपका मोस्ट सबसे ज्यादा जो काटा जाता है ओ को और कम काटा जाता है ए बी वालों को इसीलिए आपने देखा देखो किसी किसी के बहुत ज्यादा मच्छर काटते हैं है ना वो बोलता है मेरे को बहुत मच्छर काट रहे हैं इसलिए क्योंकि उसका ब्लड पक्का वो पॉजिटिव मिलेगा अब बात कर लेते हैं आपके मेल मॉस्किटो की बात कर लेते हैं मेल मॉस्किटो की अगर मैं बात करूं तो भाई अगर ये किस पे डिपेंडेंट रहेंगे खाना खाने के लिए शुद्ध शाकाहारी होते हैं आपका कोई भी मच्छर मांसाहारी नहीं होगा कोई भी खून पे जीवित नहीं होता ये प्लांट पे जो प्लांट का रस होता है ना उसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं तो लिख लेना जो आपके मेल होते हैं वो प्लांट के ऊपर निर्भर करते हैं वहीं पे फीमेल वाले ब्लड के ऊपर रीजन क्योंकि वो प्रेग्नेंट होएगी बच्चा जन्म देना तो उसके लिए हीमोग्लोबिन चाहिए हीमोग्लोबिन के लिए डॉक्टर के पास फोलिक एसिड लेने नहीं जाएगी वो आपके इंसान के खून के पास जाएगी जहां पे उसको भर भर के कितना मिलेगा खून मिलेगा भाई उसको ठीक है चलो चलो <laughs> इसीलिए फीमेल खून भी <laughs> नहीं वही नहीं 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 हाँ इसीलिए काटते हैं तुम दानी लोग हो ना ओ वाले तो वैसे भी दानी होते हैं चलो आगे चलते हैं इसी के साथ इसका जो आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा लेडेट्रो इथाइल क्या हो जाएगा भाई इसका आंसर लेडेट्रो इथाइल हो जाएगा ठीक है ए ओ नेगेटिव दानी होते हैं ओ पॉजिटिव नहीं अरे भाई दोनों ही होते हैं इफ जिस बच्चे को ये नहीं पता कि दोनों ही होते हैं ओ पॉजिटिव वाले तुम पॉजिटिव वालों को तो एटलीस्ट दे सकते हो

मैं तो अपने खुद की सरकारी नौकरी छोड़ के बैठी हूँ यहाँ पे <laughs> मेरे से नहीं तो होते मैं देख के बैठी हूं यहाँ पे चलो अभी यहाँ पे बात इस करीडेट्रा इथाइल की कई बार आपको ऐसे पूछ लिया जाता है कि एंटी एंटीनोकिंग कंपाउंड बताओ एंटी एंटीनोकिंग केमिकल बताओ या फिर कुछ भी पूछ लिया जाए तो आपको बता देना है लेडेट्रा इथाइल ठीक है चलो बहुत होती जा रही है डॉक्टर को दिखाओ आ, भाई देखो बात ऐसी इसमें डॉक्टर की कोई गलती नहीं है ये मुझे ही पता है

घर वाले हैं ठीक है अच्छा खासा खिला खिल्ला है हमारा अच्छे खासे खेती होती है भगवान की दया से सब मिलता है मुझे तो टेंशन ना ले आंसर बताओ तुम चलो बताओ जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा भाई देखो भारत में प्रथम रेडियो प्रसारण जो है मुंबई में और कोलकाता में हुआ था और 1927 में हुआ था कब हुआ था 1927 में हुआ था ठीक है तो आंसर ए हो जाएगा आपका अरे बिल्कुल आएंगे भाई आगे है कैंडेला किसकी यूनिट है ज्योति फ्लस्क की इट्स लाइट फ्लस्क लाइट को ज्योति प्रभाव लाइट इफेक्ट ज्योति दाब ज्योति लाइट प्रेशर लाइट इंटेंसिटी ज्योति त्रिवता बताओ कैंडेला किसकी यूनिट है देखो भाई मैं कुछ यहां पे कहना नहीं चाहती हूं ठीक है तो तुम तो आंसर कर दो चुपचाप से डी हो जाएगा ज्योति त्रिवता लाइट इंटेंसिटी की यूनिट होती है कैंडेला ए की नहीं होएगी फ्लस की नहीं होती वेबर होती है फ्लस के लिए वेबर होती है मैग्नेटिक फ्लस के लिए इंक्रीजिंग द प्रेशर इंक्रीज डिक्रीज रिमेन अनचेंड फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज सिंपल सी बात पूछिए बर्फ पर स्केटिंग करते हैं ठीक है वो क्या प्रदर्शित करता है कि दाव बढ़ाने पर बर्फ का गलनाक क्या होता है बढ़ता है घटता है अपरिवर्तित रहता है पहले घटता है फिर बढ़ता है बताओ जल्दी से <laughs> हाँ और नहीं तो क्या अंकित ठाकरे ने बिल्कुल इस चीज से मैं बहुत सहमत हूँ देखो पता है क्या ये बाहरी जो सुंदरता है ना थोड़े दिन में ढल जाती है ठीक कब तक रहेगी थोड़े दिन की बस ठीक है थोड़े दिन के बाद आप भी सब बूढ़े हम भी बूढ़े हर कोई ऐसा ही दिखेगा सबके फेस पे हाँ झूरियां दिखेंगी कुछ अलग नहीं दिखना बंदा जो होता है ना वो सीरत का होता है वो नियत का होता है वो व्यक्तित्व का होता है शक्ल का नहीं होता ठीक है तो इस हिसाब से जिस हिसाब से बोल रहे हो कि मोटे लोग हैं साउथ अफ्रीका के तंसानी इंसान नहीं है फिर चलो यहाँ आंसर पे ध्यान दो तुम ये तो ज्ञान मैं दुनिया का आपको बाद में कभी दूंगी बताओ बी बहुत सही बी घट जाता है घट जाता है बहुत सही बहुत सही चलो आगे है कि पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान है द वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ प्लेन इज 7.92 किलोमीटर पर सेकंड, 2.38 किलोमीटर पर सेकंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, 11.2 मीटर पर सेकंड। अभी आपका फैक्चुअल चीज है नंबरिंग ऐसे याद करनी थी अब आपको ऐसे कैसे बताना पड़ेगा <laughs> दिल के साथ लंग्स के लिवर सब जीत लिया आपने मैं अरे <laughs> भाई अपने पास ही रखो मुझे इनका जीत के कुछ नहीं करना है क्यों मुझे पकड़वा रहे हो किसी ने बोल दिया ना मैडम ने जीत लिए है कहेंगे ऐसे कैसे जीत लिया कौन सा कंपटीशन था ये इलीगल करा रहे हो काम मेरे से तुम्हें है? बताओ सी बहुत सही सी 11.2 पॉइंट किलोमीटर पर सेकेंड याद रखना ये मीटर नहीं किलोमीटर है चलो आगे चलते हैं इसी के साथ कि ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है बेसिक सी फास्ट फॉर ट्रेन बताओ जल्दी से इजी है ये तो बहुत इजी हमको भी बताया भाई फास्ट जैसे कोई लैंग्वेज नहीं होती है बेसिक होती है सी होती है आपकी फोर ट्रेन भी होती है सी हो जाएगा इसका आंसर आगे है कि बीटा किरणें बनी होती हैं ये बीटा है ये बीटा है बीटा रेज आर मेड अप ऑफ बीटा रेज आर मेड अप ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल माइनस चार्ज यानी कि आपके नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल न्यूट्रल पार्टिकल नन ऑफ द अबव बताओ जल्दी से देखो हमको एक एक बात पता है कि आपके जो अल्फा होती है ना अल्फा आपकी कैसी होती है अल्फा आपकी होती है पॉजिटिव ठीक है बीटा आपकी होती है कैसी नेगेटिव वहीं पे आपकी जो गामा होती है वो होती है न्यूट्रल क्या होती है न्यूट्रल अब यहाँ पे सबसे हैवी जो होती है ये आपकी होती है हैवी ये आपकी होती है लाइट ये इनके मीडियम की अब बात करो स्पीड की तो इसकी मिनिमम स्पीड होती है

आपकी आंख है इसको छोड़ दो ऑप्शंस को एक मिनट के लिए मेरे पास आओ कम टू मी भूल जाए सारा जहां पढ़ ले थोड़ा सा यहाँ ठीक है <laughs> चलो देखो अगर बात करो आपकी आंखों की देखने की है ना तो हमारे पास क्या है रेटिना जहां पे प्रतिबिंब बनता है क्या होता है रेटिना इसी रेटिना के अंदर क्या इसी रेटिना के अंदर दो प्रकार के सेल पाए जाते हैं एक आपके पाए जाते हैं रोड सेल एक आपके पाए जाते हैं कोन सेल जो ये रोड सेल होते हैं बेटा ये रोड सेल आपको दिन में देख रात को देखने के लिए हेल्प करते हैं नाइट को देखने के लिए हेल्प करते हैं वहीं पे कौन सेल जो है डे दे में देखने के लिए हेल्प करते हैं अब यहाँ पे एक चीज और है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है रोड सेल के पास एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है रोडोप्सिन प्रोटीन क्या नाम है रोडोप्सिन प्रोटीन इसका नाम है जो कि पर्पल इन कलर होता है कौन सेल के पास एक प्रोटीन

चलो चलो प्लांट्स के अंदर मोस्टली मिली जाते हैं सारे लिख लेना इसको इजी है इजी है आगे है कि भाई एक मिलीमीटर से कम दूरी मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र है इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर डिस्टेंस लेस देन वन मिलीमीटर इज कंपास नॉर्मल मिलीमीटर स्केल क्रीपी कैलिपर है क्रीपी। विस्परी, विस्पर कैलिपर क्या बोलते हो आप इसको कैलिपर से पहले एक शब्द आता है मुझे ध्यान नहीं आ रहा भी नन ऑफ द बो विस्परी तो न खैरम नहीं कहते बता जल्दी से वर्नियर कैलिपर क्या, बोलते हैं उसको हम शायद से वर्नियर कैलिपर है ना हाँ चलो बताओ जल्दी से क्या जाएगा यहाँ पे आंसर क्या जाएगा यहाँ पे आंसर और जो उसी से हम मापते हैं क्रीप है ये गूगल बाबा है भाई कई बार कर देता है मेरे पास पीडीएफ हिंदी वाली पड़ी है तो करती हूँ कई बातों गूगल ट्रांसलेट ऐसे कुछ भी डाल देते हैं क्या कर सकते हैं वर्नियर कैलिपर होता है ये आपका सी वर्नियर कैलिपर चलो आगे है इक्वेटर विल बी मिनिमम एट नॉर्थ पोल रीजन विल बी मिनिमम एट साउथ पोल रीजन बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका आंसर भाई क्या हो जाएगा हाँ बिल्कुल इक्वेटर पे मिनिमम होता है किस पे मिनिमम होता है इक्वेटर पे मिनिमम होता है बी आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा ठीक है चलो आगे चले अगला है रेडियो धर्मिता की खोज किसने की आज मैंने डीआरडीओ वाले में भी कराया था ये काफी अच्छा प्रश्न है पूछा जाता है जिसका आंसर मैं आपको शायद बता चुकी हूँ ए एच बैकुलर जिसका आंसर है आपका डी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा ठीक है डी आंसर यहाँ पे हो जाएगा आगे है कि इनमें से कौन सा यौगिक है इनमें से कौन सा यौगिक है कंपाउंड है एयर गन पाउडर डायमंड वॉटर अच्छा कंपाउंड कैसे होते कहा आपके आते जरा इसकी हम बात कर लेते हैं ठीक है देखो आपका कोई भी एटम है कोई भी आपका एलिमेंट है तो आपका दो चीजों में पाया जाता है प्योर की बात करें प्योर सब्सटेंस या फिर आपकी बात करें इमप्योर सब्सटेंस की तो वहां पे आपके पास एक एलिमेंट और एक कंपाउंड ये प्योर सब्सटेंस में आते हैं ठीक है एलिमेंट जो एक ही चीज से बना हुआ होगा अब दो एक से ज्यादा एलिमेंट जो बनता है कंपाउंड बनता है परंतु वो कुछ ऐसे बनता है कि अगर मान लो हमने उस एलिमेंट को अलग अलग कर दिया तो अब वो कंपाउंड नहीं रहेगा आपका ठीक है जैसे कि एच है अगर मैंने

ओके okay. अब देखो बात ऐसी है मैं आज बताया था आपको पहले भी दोबारा बता रही हूं यार आखिरी साल है इतनी अच्छी वैकेंसी निकली हुई है डीआरडीओ की निकली हुई है हैससी जेई की निकली हुई है ठीक है मौका है चौका मार लो 2022 में सिलेक्शन ले लो ठीक है कहीं से भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता कहीं से भी जहाँ से मन करता है वहाँ से पढ़ो जहाँ समझ आता है वहाँ से समझो परंतु ऐसा कर लो कि बस आखिरी साल हुई आपकी मेहनत का ठीक है अगर कोई बच्चा हमारे कोर्स में एनरोल करना चाहता है तो उसके लिए आप कोड इस्तेमाल कर सकते हैं दैट इज़ वाई फोर फोर थ्री इससे होता क्या है इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है और आपको डिस्काउंट लेना कैसे है देखो आपको पता है बहुत ही अच्छे से कि भैया आपका जो uh, ऐप है अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन ऐप आप उसको इंस्टॉल करते हो तो आपको कॉइन्स मिलते हैं आप उनको रिडीम कर सकते हो कूपन लगाने के साथ साथ है ना या फिर आप गूगल पे जाओगे अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन को डालोगे तो यहां पे आपका पहला बड़ा सा ऑप्शन है इंडिया लार्जेस्ट वर्ना कुलर टेस्ट प्रेप आपका इस पे टैप करोगे ओल्ड कोर्स पे जाओगे जैसे ही ओल्ड कोर्स पे जाओगे यहाँ पे गेट एड इंजीनियर्स का आ जाएगा ऑप्शन अदरवाइज यहाँ पे फाइंड वीडियो कोर्स में डायरेक्ट आप डाल सकते हो डी आर डी एस एस सी जो जो भी आप डालना चाहो तो यहां पे देखोगे तो एस एस सी जो आपके पास क्या मिलेगा ऑप्शन मिलेगा तो यहाँ पे देखो जरा अगर मैं बात करूं आपका इलेक्ट्रिकल स्पेशल बैच आपका सिविल टारगेटेड का देखो या फिर कोई भी आपका देखो इवन आपका शिवम सर का भी एक अच्छा खासा बैच है ठीक है अगर मैं बात करूं अरे भाई हो जा पीछे जरा क्या हो गया हो जा हाँ अगर बात करूं मैं आपका किस चीज का नॉन टेक वाले पार्ट की तो सिर्फ और सिर्फ नॉन टेक वाले पार्ट का भी आपके पास बैच प्रोवाइडेड है जिसका प्राइस आपका 499 है अगर मैं आप यहाँ पे मेरा कोड लगाते हो दैट इज वाई फोर फोर थ्री आपको यहाँ पे क्या मिल जाता है अच्छा खासा डिस्काउंट तो जैसे ही आप बाय नाव करते हो ना बाय नाव करते ही सबसे पहले आपको कूपन कोड लगाना है और वो कूपन कोड क्या था मैंने अभी भी बताया वाई अप्लाई कर देना है इसको और जैसे ही आप अप्लाई करोगे यहाँ पे आपको 77 का क्या मिल जाता है डिस्काउंट मिल जाता है आप यहाँ पे देख पा रहे हो और यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा ये प्राइस अब ओवरऑल ग्यारह सौ कुछ हो जाएगा ग्यारह सौ ठीक है ओके अब चलो भैया आपकी रेगुलर क्लासेस अभी शुरू होने वाली है ऐसी कोई बात नहीं है प्रवीण अभी आपकी डेट चल ही रही है ये ठीक है चलो अब आगे बात करो तो यहाँ पे जो बच्चे ऐप को इंस्टॉल करते हैं ना उनके पास कुछ कॉइन्स भी होते हैं रिडीम करने के लिए तो आप उनको भी रिडीम करके और ज़्यादा प्राइस कम कर सकते हैं यहाँ पे ठीक है और क्या नाम था इनका प्रवीण बिकुंदिया आपको मैंने कभी नौ बजे वाली क्लास में देखा नहीं आज तक पेड क्लास में कहाँ होते हैं आप मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी मैं नौ बजे डेली क्लास लेती हूँ मुझे आप कभी भी कहीं भी नज़र नहीं आए तो पहले एक बार अटेंड करो क्लास उसके बाद बोलो ठीक है चलो अब वाइटमिन की मैं बात कर लेती हूँ क्या है भाई? आपको एक शब्द लिख दिया यहाँ पे अब आपको बताना है ये क्या है, क्या कुछ है। ठीक है या फिर नॉट नेसेसरी फॉर नॉर्मल बॉडीली फंक्शन सामान्य शारीरिक क्रियाओं के लिए आवश्यक नहीं है या फिर डिजीजिनोसिज है बीमारी को बचाने के लिए आवश्यक होते हैं बताओ जल्दी से बताओ जल्दी से चलो कोई बात नहीं हार्डली मैटर्स टू मी हम्म देखो अगर वाइटमिन की बात करूं तो 1911 के अंदर आपके फंक महाशय आए थे फंक ठीक है इन्होंने वाइटमिन के बारे में बताया था और इन्होंने बताया था कि भाई आपके जो वाइटमिन होते हैं वो वाइटमिन हमको बीमारियों से बचाने के लिए जरूरी होते हैं ठीक है और वाइटमिन की अगर बात करते हो तो आपका शब्द क्या है वाइटमिन वाइट अमीन अगर आपको पता हो तो मैं बता दू वाइट का मतलब है यहाँ पे वाइटल क्या है वाइटल यानी कि जीवन के लिए जरूरी अमीन मतलब कि आपके अमीनो एसिड आपके एसिड वाइटमिन किससे मिलके बने होते हैं प्रोटीन से मिलके बने हुए होते हैं और प्रोटीन किससे मिलके बना हुआ होता है अमीनो एसिड से मिलके बना हुआ होता है है ना तो यानी आपकी जिंदगी के लिए जरूर जरूरी अमीनो एसिड होते हैं उनको हम कहते हैं क्या वाइटमिन ठीक है वाइटमिन के प्रकार में आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ जिसके अंदर मैंने आपको क्या बताया था कि आपके वाइटमिन दो प्रकार के होते हैं पहले भी बताया था दोबारा बता रही हूँ ठीक है एक आपके जो फैट में घुलते हैं एक आपके वो जो वाटर में घुलते हैं ठीक है ठीके? वाटर में घुलने वाले सिर्फ और सिर्फ दो है जो है आपका एक बी वाइटमिन और एक सी वाइटमिन इनके अलावा कोई दूसरा आपका नहीं घुलता है फैट, वाटर में फैट की बात करूं तो ए, ई, डी और के। ये एन आपके कैसे होते हैं ये दोनों ये चारों वाइटमिन आपके फैट में घुलते हैं अब यहाँ पे अगर बात करूं इन दो वाइटमिन की के और डी और के ये हमारी बॉडी में बनते हैं और इसके अलावा जितने भी हमारे वाइटमिन है सारे के सारे शरीर से बाहर बनते हैं ठीक है सारे के सारे शरीर से बाहर बनते हैं और यहाँ पे अगर खाली बात करूं मैं आपके डी वाइटमिन की खाली डी वाइटमिन की बात करूं तो एज अ हॉर्मोन भी ये काम करता है के नहीं करता है एज अ सिर्फ और सिर्फ डी एज अ हॉर्मोन काम करता है क्यों पहले चीज शरीर में श्रावित होता है दूसरा अगर इसकी प्रेजेंस ना हो तो हमारे शरीर के अंदर जो हड्डियां होती हैं कैल्शियम से और आपकी किससे बनी होती है कैल्शियम से और फॉस्फोरस से वो नहीं नहीं हो हो पाएगा अगर डी डी है 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 इसीलिए पे 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 आपका आपका की की कमी होती रिकेट्स रिकेट्स और आपका हो जाता है। जहां पे कम धूप निकलती है। उन देशों के अंदर जो बच्चे होते हैं उनको रिकेट्स की होती है। चलो, है? है। है। चलो। नाइन में, ट्वेल्व में बी ट्वेल्व करके कोबाल्ट मिलता है आई थिंक सो नहीं आ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी कमेंट से देखो आपका जो वाइटमिन बी ट्वेल्व होता है ना बी ट्वेल्व जो होएगा इसके अंदर इसका नेम ही ये है साइनो साइनो कोबाल्ट कोबाल अमीन ये एक साथ है ठीक है और इसके अंदर कोबाल्ट पाया जाता और, है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये मैं कराऊंगी आपको थ्योरी में डोंट वरी आगे, आगे आपका प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण है क्या आपका एक फोटोकेमिकल प्रोसेस एक्टली फोटोकेमिकल तो है ही ओनली अमिकल प्रोसेस नोप नीदर अमिकल नॉर ए बायो केमिकल नोप अ फोटोकेमिकल प्रोसेस एज वेल एज बायो केमिकल प्रोसेस बिल्कुल सही कहा है इसने कि भाई देखो ओनली तो हम नहीं कह सकते बायोकेमिकल और खाली हम ओनली फोटोकेमिकल भी नहीं कह सकते तो हम यहाँ पे कह सकते हैं फोटो सिंथेसिस जो है बायोकेमिकल प्रोसेस भी है और आपकी कैसी प्रोसेस भी है आपकी बायो और फोटो दोनों ठीक है तो डी आंसर यहाँ पे हो जाएगा अंगद कुमार जी मैंने आपको जो भी अभी बताया था आप थोड़ा वीडियो को पीछे की तरफ लेके जाएं और आपको पता चल जाएगा नॉन टेक के लिए स्पेशल पार्ट है आपका ठीक है आगे है प्राथमिक रंग है कौन से है प्राइमरी कलर लाल हरा पीला लाल हरा नीला लाल हरा आसमानी हरा आसमानी पीला बताओ जल्दी से बताओ जल्दी से लाल हरा नीला लाल हरा नीला ब्लू लाल हरा नीला बी ये आपके प्राइमरी कलर होते हैं प्राइमरी कलर कौन से होते हैं हैं प्राइमरी कलर वो होते जो किसी और रंग के मिक्स करने से हमको ना मिले ठीक है चलो चलो आगे है कि लाइट एनर्जी इज क्विकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी वेन विच ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट इज यूज कि हम इनमें से कौन से पदार्थ को इस्तेमाल करते हैं जब हमारा क्विक एकदम से फटाफट से जो लाइट एनर्जी है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर बदल जाती है आयरन एल्यूमिनियम टिन सेलिनियम बताओ जल्दी से यहां पे, बताओ जल्दी से यहां पे, सेलेनियम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेनियम सेलेनियम क्या हो जाएगा आपका आंसर भाई यहां पे सेलेनियम हो जाएगा ठीक है डी हो जाएगा आगे द्रव्य धातु कौन सी है लिक्विड मेटल कौन सी है सोडियम बेरिलियम मरकरी लिथियम हजार दफा बता चुकी हूँ आपकी पीरियोडिक टेबल के अंदर दो ऐसे एलिमेंट है जो कि लिक्विड है एक मेटल एक नॉन मेटल मेटल जो है वो आपका मरकरी है और जो नॉन मेटल लिक्विड है वो आपका कौन सा है वो आपका ब्रोमिन है वो आपका क्या है ब्रोमिन है

ठीक है सीजियम गैलेनियम भी है ना बिल्कुल है ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है परंतु सेलनियम हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं आगे है कॉपर इज अ बेटर कंडक्टर देन एल्यूमिनियम बिकॉज आपका जो कॉपर है वो एल्यूमिनियम से अच्छा कंडक्टर क्यों है रीजन क्या है कि जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है कॉपर का वो आपके एल्यूमिनियम से ज़्यादा है या फिर जो कॉपर है उसका लेस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है एल्युमिनियम के कंपैरेटिवली, या फिर स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कॉपर की कम है एल्यूमिनियम के कंपेरेटिवली या फिर इनमें से कोई भी नहीं बताओ जल्दी से यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा देखो तांबे को ना हम उत्कृष्ट धातु भी कहते हैं इसको हम क्या कहते हैं उत्कृष्ट धातु भी कहते हैं ये भी जान लेना ठीक है बी बी आंसर हो जाएगा भाई इसका जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है ना कॉपर का वो कम होता है एल्यूमिनियम कंपेरेटिवली अगर प्रतिरोध कम है तो इसका मतलब 70 हो गए है। हमने आज 40 नहीं पता है उसको मैं बता दू की मेरी क्लास डेली तीन बजे होती है यहाँ पे और एक बजे मैं डीआरडीओ के लिए क्लास लेती हूँ एक बजे किसके लिए लेती हूँ एक बजे मैं लेती हूँ आपकी क्लास डीआरडीओ के लिए और कल मैं आपको सर्क्यूलेटरी सिस्टम कराने वाली पोर्ट पार्शन कराने वाली हूँ तीन बजे ठीक है तो आपको जुड़ना नहीं भूलना है तीन बजे कल सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए बहुत अच्छे से कराऊंगी बहुत प्यार से कराऊंगी और भूलोगे नहीं उसको ठीक है वहां से मैक्सिमम आपके क्वेश्चन अटैम्प हो जाएंगे ठीक है वहां से अगर कर, कर लिया तो मतलब जिंगल लाल है आपका इसी के साथ सबको क्या कर देना है देन दिन ज्यादा ज्यादा पता है ना सबको क्या बोलूंगी भाई पहले ही पता है तो मतलब वैसे ही कर दिया अगर मुझे बोलने की आवश्यकता ही ना पड़े कि आपको कर देना है वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर कमेंट और आपको सब्सक्राइब कर देना है चैनल को थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे गुड बाय बहुत सारा प्यार